यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए अब बुलेटिन में रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश का। प्रदेश हाईकोर्ट ने वन भूमि पर सेब के बगीचे लगाकर अवैध कब्जे करने के मामले में सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने वन और राजस्व विभाग के कर्मियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अगली सुनवाई तक कोई ठोस कार्रवाई करे, और हाईकोर्ट ने कोटगढ़ कुमार सेन के DFO की ओर से अवैध कब्जों की सही जानकारी न देने पर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए चेतावनी जारी की है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने वन भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त करवाने में डेमोक्रेशन के कारण हो रही देरी पर संज्ञान लेते हुए अपने आदेशों में स्पष्ट किया। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश CB बारोवालिया की खंडपीठ ने कोर्ट में उपस्थित प्रदेश वन अधिकारियों को आदेश दिए कि वे बिना देरी किए 2 सप्ताह के भीतर बड़े कब्जाधारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करें। तो यहां पर अवैध सेब के बगीचों को हटवाने के आदेश दिए गए हैं और हाईकोर्ट यहां पर सख्त होते हुए नजर आ रहा है और कहा है कि अगली सुनवाई तक प्रदेश सरकार इसके ऊपर जल्द ही कार्रवाई करे।